सो आज की वीडियो में हम डिफीट करने वाले हैं 100 बीकर्स को टू मेक 100 बीकन्स एंड सेट करने वाले हैं दो और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। एंड ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि इस चैलेंज को हम कर रहे हैं वन ब्लॉक हार्डकोर वर्ल्ड में। सो क्या हम 100 प्लस बीकर्स को मार पाएंगे या फिर अपना वन ब्लॉक हार्डकोर वर्ल्ड। सो अभी हूँ मैं अपने सस्ते से स्टोरेज रूम में एंड भाई तुम लोग ये लूट चेकआउट करो जो हम लास्ट वीडियो में 100 प्लस एंड सिटीज को लूट करके लाए थे। अच्छा तो उससे मेरा क्या फायदा? हमारे पास एक शार्पनेस 4 वाली मैक्स आउट स्वॉर्ड तो है बट क्योंकि अपने पास इतनी सारी स्वॉर्ड है तो मैं सोच रहा हूँ इनमें से कुछ अच्छी स्वॉर्ड को कंबाइन करके हम एक स्माइट 5 वाली स्वॉर्ड क्राफ्ट कर ले। इसलिए फिर मैं यहाँ से कुछ अच्छी स्वॉर्ड्स को सेपरेट कर लेता हूँ एंड फिर उन्हें एनविल की मदद से कंबाइन कर लेता हूँ। बट स्वॉर्ड्स को कंबाइन करते वक्त हमारे एक्सपी लेवल्स कम पड़ जाते हैं इसलिए फिर मैं सीधा निकल गया जाता हूँ अपने एंडरमैन एक्सपी फार्म पे एंड वहाँ पे कुछ एक्सपी कलेक्ट करके फिर अपने स्वॉर्ड्स को कंबाइन करता हूँ एंड अपने पास आ जाती है स्माइट 5 वाली पावरफुल स्वॉर्ड। और साथ ही लास्ट वीडियो में हमने जो शवल और हो क्राफ्ट किया था उसमें मैं मेंडिंग भी ऐड कर देता हूँ एंड फिर अपने एक्सपी फार्म की मदद से उन दोनों को रिपेयर भी कर लेता हूँ। सो ये है हमारा एक बीकन पिरामिड जिसमें नेदराइट ब्लॉक्स भी लगे हैं जो कि हमको नेदर में 100,000 ब्लॉक्स माइन करने के बाद मिले थे। बट इस पिरामिड को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास बीकन ही नहीं है इसलिए आज हम डिफीट करने वाले 100 वीतर्स को एंड क्राफ्ट करने वाले एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 बीकन्स। सो 100 बीकन्स को क्राफ्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा भाई 100 नेदर स्टार जो कि मिलते हैं वितर को मार के एंड वितर को स्पॉन कराने के लिए हमें चाहिए होगी भाई वितर स्केलेटन के स्कल्स एंड साथ ही सोल सैंड। एंड 100 नेदर स्टार्स कलेक्ट करने के लिए हमें स्पॉन करने पड़ेंगे भाई 100 वितर जिसके लिए हमें चाहिए होगी भाई 300 वितर स्कल्स लिटरली 300। सो ऑब्वियसली हमको एक बड़ा सा वितर स्केलेटन फार्म बनाना पड़ेगा। ओके वेट मैं तो भूल ही गया हम नेदर रूप के ऊपर है एंड अगर हमें अपने नेदर फोर्ट्रेस तक पहुंचना है तो हमें इन बेडरॉक को तोड़ के नीचे एक एंट्रेंस बनानी पड़ेगी। हम एक दूसरा नेदर पोर्टल बिल्ड नहीं कर सकते अगर हमने ऐसा किया तो वो इसी नेदर पोर्टल से इंटरकनेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस सो बेडरॉक को ब्रेक करने के लिए जो भी आइटम लगता है वो मैं अपने ओवरवर्ल्ड से लेकर आ गया हूँ एंड फिर बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी हमारा बेडरॉक ब्रेक नहीं होता है बल्कि मेरे पास के रिसोर्सेस खत्म हो जाते हैं इसलिए फिर मैं ओवरवर्ल्ड से और कुछ रिसोर्सेस लेके आ जाता हूँ एंड फिर फाइनली ओ लेट्स गो ये शायद टूट गया क्योंकि भाई पिस्टन सीधा है। हो एंड इसी के साथ हम अपने बेडरॉक को सक्सेसफुली तोड़ देते हैं एंड यहीं से हमारी एंट्रेंस भी है नेदर की। और अपनी इस एंट्रेंस के नीचे मैं थोड़ी सी जगह कार्व कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ पे आसानी से आ जा सके एंड फिर मैं यहाँ से सीधा निकल जाता हूँ अपने पुराने वाले नेदर फोर्ट्रेस की तरफ। एंड ये रहा हमारा पहला नेदर फोर्ट्रेस जहाँ पे हमने एक बड़ा सा ब्लेज फार्म बिल्ड किया है जहाँ से हमको भर के ब्लेज रॉड्स मिलती है। बट ना चाहते हुए भी हम इस नेदर फोर्ट्रेस को अपने वितर स्केलेटन फार्म के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि वितर स्केलेटन फार्म के लिए एक सोल सैंड वैले वाला नेदर फोर्ट्रेस चाहिए ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा वितर स्केलेटन स्पॉन हो। सो अब चलते हैं हम अपने बेस पे वापिस एंड कलेक्ट करते हैं अपने वितर स्केलेटन फार्म के लिए सारे रिसोर्सेस। सो अपने वितर स्केलेटन फार्म में हमें टर्टल एग्स की भी जरूरत पड़ने वाली है। सो सबसे पहले तो मैं टर्टल्स के लिए एक बढ़िया सी जगह बिल्ड करता हूँ जहाँ पे वो लोग रहेंगे एंड ब्रीड्स करेंगे एंड उसके बाद उनको ब्रीड करवा देता हूँ जिससे कि हमको मिल जाती है बहुत सारे टर्टल एग्स एंड फिर मैं बचे हुए रिसोर्सेस को कलेक्ट करता हूँ। एंड भाई लोग तुम लोग ये देखो ये कलेक्ट कर लिए हमने सारे रिसोर्सेज अपना वितर स्केलेटन फार्म बिल्ड करने के लिए। बस इसमें कमी है तो नेदर ब्रिक्स की एंड वो भी हम अपने नेदर फोर्ट्रेस से कलेक्ट कर ही लेंगे। एंड अब बस हमें एक ऐसा नेदर फोर्ट्रेस ढूंढना है जो सोल सैंड वैले के अंदर हो। लेट्स गो गाइस बहुत देर की मशक्कत के बाद एंड बहुत ज्यादा ट्रैवल करने के बाद हमें फाइनली एक परफेक्ट नेदर फोर्ट्रेस मिल चुका है जो कि एक सोल सैंड वैले के अंदर है। सो सबसे पहले तो हम यहाँ से बहुत सारी नेदर ब्रिक्स कलेक्ट करते हैं। एंड गाइज यार ये देखो ये कलेक्ट कर लिए हमने इतने सारे नेदर ब्रिक्स एंड इस एरिया पे भी जरा सा नजर मारो ये पूरा मैंने खाली कर दिया है। एंड ये रहा अपने वितर स्केलेटन फार्म का एक होलोग्राम। सो सबसे पहले मैं इस एरिया को क्लियर करता हूँ एंड फिर अपने फार्म को बिल्ड करेंगे।
ओके गाइस, तो अभी हमारा इस नेदर फोर्ट्रेस का काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बस इस नेदर पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स लेना है एंड उस कोऑर्डिनेट्स पे हमें नेदर रूप पे पहुंचना है। एंड अब हमें पहुंचना है वाई लेवल 200 पे। एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, हम आ गए वाई लेवल 200 पे। एंड यहाँ पे हमको बिल्ड करना है किलिंग चैम्बर, जिसका होलोग्राम ये रहा। एंड अब हमें करना इस पोर्टल को लाइट अप, लेट्स गो। एंड फिर आ जाना हमको इस सेकंड वाले पोर्टल पे। एंड इस सेकंड वाले पोर्टल को लाइट अप करके हमें सीधा ओवर वर्ल्ड में निकलना है। एंड मैंने यहाँ से अपने नेदर पोर्टल को हटा दिया है। अब यहाँ पे हमको बिल्ड करना है एक वितर स्केलेटन गैदरिंग एरिया, जहाँ पे सारे वितर स्केलेटन गैदर हो गए एंड फिर एक एक करके अपने किलिंग चैम्बर में आएंगे। लेट्स गो गाइज, हमारा वितर स्केलेटन फार्म बनके रेडी है। एंड अब बस हमें यहाँ पे वेट करना है अपने वितर स्केलेटन्स के यहाँ पे आने का। जैसे ही हमारी ओवर वर्ल्ड वाली साइड वितर स्केलेटन से फुल हो जाएगी, वैसे इधर वितर स्केलेटन आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड तुम लोग ये देखो, हमारे वितर स्केलेटन्स आ चुके हैं भाई। एंड कितने सारे आए हैं भाई एक ही बार में। लेट्स गो, मतलब अपना फार्म अब अच्छे से वर्क कर रहा है। अरे भाई साहब, भाई खतरनाक, मैंने यहाँ पे लिटरली एक या दो मिनट एएफके किया होगा। एंड भाई हमको एक वितर स्केलेटन स्कल मिल भी गया है भाई। ये फार्म बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है। एंड इतना ही नहीं, हमको बहुत सारी बोन्स और कोल भी मिल रहा है। सो अब यहाँ पे कमी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज सिस्टम की। सो अब फटाफट से उसे भी कम्प्लीट कर देते हैं। एंड अब अपना वितर स्केलेटन फार्म 100% रेडी है। सो अब इस पे एएफके करते हैं एक घंटे तक एंड देखते हैं हमको कितने सारे वितर स्केलेटन स्कल एंड बाकी रिसोर्सेस मिलते हैं। ओके गाइस, सो मुझे यहाँ पे एएफके करते हुए टोटल एक घंटा हो गया है। एंड अब चेक करते हैं कि एक घंटे में हमको कितनी सारी लूट मिली है। लेट्स गो। सो What? सिर्फ 3 स्कल? अरे भाई बोन्स तो बहुत सारी पड़ी है। ओके, कोल भी ठीक ठाक है। मेरे को पता है कि हमारे स्कल कहाँ पे है भाई। ये देखो 41 स्कल यहाँ पड़े हैं एंड 3 उधर, मतलब टोटल 44 वितर स्केलेटन स्कल। लेजिट। एंड अभी हमको और 250 से ज़्यादा स्कल चाहिए। सो हमें और एएफके करना पड़ेगा। ओके, तो एएफके करते हुए मुझे 2 घंटे और हो गए हैं। एंड 3 घंटे में हमको ऑलमोस्ट यहाँ पे 59 पड़े हैं एंड इधर होंगे 41, मतलब टोटल 100 वितर स्कल मिले हैं 3 घंटे में। एंड यहाँ पे बहुत सारी बोन्स भी है। ये चेस्ट ऑलमोस्ट फुल है एंड ऊपर वाले भी हाफ फुल है एंड इधर कोल भी ऑलमोस्ट एक डबल चेस्ट भर के है। एंड गाइज यार, इस फार्म के रेट से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि नॉर्मली इस फार्म से हमको एक घंटे में 100 वितर स्कल मिलते हैं, 100 प्लस मिलते हैं, बट यहाँ पे 3 घंटे एएफके करने के बाद हमको 100 वितर स्कल मिल रहा है, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा कम है। फिलहाल तो मैं अपने सारे बोन्स और कोल को कोल ब्लॉक्स में कन्वर्ट करके अपने शल्कर बॉक्स में भर लेता हूँ एंड निकल जाता हूँ अपने ओवर वर्ल्ड में वापिस। एंड ओवर वर्ल्ड में वापिस आके मैं क्राफ्ट करता हूँ बहुत सारी स्टोन की स्लैब। एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो भाई साहब, हमने 2 शल्कर बॉक्स भर लिए स्टोन स्लैब से। एंड इन सारी स्लैब्स को लेके मैं आ जाता हूँ अपने नेदर फोर्ट्रेस में वितर स्केलेटन फार्म वाले। एंड अब यहाँ पे इस पूरे नेदर फोर्ट्रेस को स्पॉन प्रूफ करते हैं ताकि हमारे फार्म्स के रेट बढ़ जाए एंड हमको कम समय में ज्यादा से ज्यादा वितर स्केलेटन स्कल मिले। ओके भाई लोग, तो ये देखो, मुझसे इस नेदर फोर्ट्रेस में जितनी भी स्पॉन प्रूफिंग हुई मैंने अपने तरफ से भेज दिया। एंड वैसे भी हमने इस नेदर फोर्ट्रेस को 90% स्पॉन प्रूफ कर दिया है। सो अब अपने फार्म पे वापिस चल के एएफके करते हैं। एंड गाइज, अब होप करते हैं कि अपना फार्म पहले से 2x फास्टर चले, एटलीस्ट थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट आ जाए यार। ओके, सो एक बार फिर से मैंने बहुत देर तक एएफके कर लिया है। लिटरली मेरा पीसी 3-4 घंटे स्टार्ट था। एंड अब ओके, ओ भाई साहब बहुत सारे, लेट्स गो, इतने में काम हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 एंड वेट, इधर भी हो गए ना पीछे। ओके 41 इधर, ऑलमोस्ट 5 स्टैक ऑफ वितर स्कल भाई, ये तो मोर देन इनफ है। लेट्स गो।
एंड तुम लोग ये भी चेक करो, ये शल्कर बॉक्स में कुछ बोन्स है। उसके बाद देखो ये चेस्ट फुल भरी पड़ी है, ये वाली डबल चेस्ट भी फुल है, एंड ये वाली भी भाई फुल है। उसके बाद कोल देखो भाई, तुम लोग मैं बताता हूँ तुम लोगों को, ये कोल, ये वाली भी डबल चेस्ट फुल है, ये वाली भी फुल है, एंड इसमें भी ये भी ऑलमोस्ट फुल ही है। सो तुम लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये फार्म कितना ज्यादा ओवर पावर्ड है। लेकिन एक सेकेंड, इस फार्म के रेट से मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। ये सब दोगलापन है साले, तू एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी भाई, इससे भर के रिसोर्सेस मिलते हैं। एंड अब मैं इन सारी बोन्स को बोन्स ब्लॉक्स में और कोल्स को कोल ब्लॉक्स में कन्वर्ट करता हूँ, जिसमें भाई मुझे घंटों लग जाते हैं। एंड तुम लोग ये चेक करो, इतने सारे कोल ब्लॉक्स, ऑलमोस्ट 3 शल्कर बॉक्स भर के बोन ब्लॉक्स है हमारे पास, एंड फाइनली हमारे इतने सारे वितर स्केलेटन स्कल। एंड यहाँ का तो काम अब हमारा हो गया है, सो अब चलते अपने ओवर वर्ल्ड में वापस। बट ओवर वर्ल्ड में वापस जाने से पहले मैं अपने नेदर से बहुत सारी सोल सैंड भी कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इनकी बिना तो हम वितर को स्पॉन कर ही नहीं पाएंगे, एंड जहाँ तक मुझे पता है इतने सोल सैंड में तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, सो मैं अपने ओवर वर्ल्ड में तो वापस आ गया हूँ, बट पता नहीं अपने शुगर केन फार्म वाले फ्लाइंग मशीन को क्या हो जाता है, ये बार बार बीच में ही बंद पड़ जाती है, इसलिए फिर इसको एक ब्लॉक लगा के स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो ये शुगर केन फार्म हमें अच्छे रेट्स नहीं देगा, बट फिर भी यहाँ पे पहले से ही बहुत सारा शुगर केन ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सो अभी तो कुछ दिनों तक हमें शुगर केन की कमी नहीं पड़ने वाली। एंड तुम लोग देख सकते हो अपना सस्ता सा स्लाइम फार्म भी बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा था, इसमें बहुत सारी स्लाइम बॉल्स पड़ी हुई है। सो क्योंकि अब अपने पास 300+ विदर स्केलेटन स्कल आ गया है, एंड साथ ही अपने पास बहुत सारे सोल सैंड भी है, तो अब हम आराम से 100 विदर्स को स्पॉन करा के उनको मार सकते हैं। सो सबसे पहले तो मैं क्राफ्ट करता हूँ बहुत सारे गोल्डन एप्पल्स, जो कि हमारे फाइट में काम आएंगे, क्योंकि अपने पास भाई टोटेम्स तो है नहीं। एंड फिर सीधा निकल जाता हूँ अपने एंड पोर्टल से एंड वर्ल्ड में, जहाँ पे हम अपने 100+ विदर्स को स्पॉन करा के उनको मार सकते हैं। एंड सबसे पहले मैं एक विदर को स्पॉन कराता हूँ एंड उससे फाइट स्टार्ट कर देता हूँ। और फिर अपने बो की मदद से मैं इस पर कंटिन्यू वार करता हूँ एंड इसको हाफ हेल्थ पे ला लेता हूँ। एंड उसके बाद फाइनली अपने स्माइट 5 वाली स्वॉर्ड को निकाल के इसको बहुत ही इजीली हम निपटा देते हैं, एंड हमें अपना पहला वितर स्टार मिल जाता है। एंड फिर मैं एक साथ 2 वितर्स को स्पॉन करा देता हूँ, एंड अब इनको मारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा पहले वाले से। 2 वितर्स को हम एक साथ नहीं डिफीट कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम एक को मारने गए तो दूसरा हील अप कर लेगा, एंड दूसरे को मारने गए तो भाई पहला वाला। सो सबसे पहले हमें एक ही वितर पे ध्यान देना पड़ेगा एंड उसे निपटाना पड़ेगा, इसलिए फिर मैं इन दोनों वितर में से एक वितर को डाउन करता हूँ एंड फिर इसे अपने स्वॉर्ड की मदद से मार देता हूँ। एंड फिर बचता है हमारा एक ही वितर, जिसे हम बहुत ही इजीली निपटा देते हैं। एंड इतना होने के बाद भाई पता नहीं क्यों, बट मैं स्पॉन कर देता हूँ 3 वितर्स को एक साथ, लिटरली 3। मैं पता नहीं अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड को क्यों रिस्क में डाल रहा था। एंड इन तीनों वितर्स को भी मैं एक एक करके निपटा ही देता हूँ। सो अभी हमने 6 वितर्स को तो डिपीट कर दिया है, एंड अभी हमें और 94 वितर्स को डिपीट करना है। एंड हम ऐसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसे करने बैठ जाएंगे भाई एक एक वितर्स को स्पॉन करके, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं अपने पोर्टल के नीचे एक छोटी सी जगह डिग डाउन करता हूँ। एंड फिर यहाँ पे प्लेस करता हूँ मैं कुछ ऑब्सिडियन, एंड उसके बाद इस ऑब्सिडियन पे मैं एक वितर को स्पॉन करा देता हूँ, जिस वजह से हमारा वितर इस पोर्टल के बीच में सपोकेट हो जाता है एंड इसे हम बहुत ही इजीली मार सकते हैं। एंड हम ऐसे ही हमारे बचे हुए वितर्स को मारने वाले हैं, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। ओके गाइस, सो अभी हमने 10 नेदर स्टार कलेक्ट कर लिए 10 वितर्स को मार के, एंड 10 वितर को मारने के बाद अब मुझमें चूल मच रही है, एंड मैं सोच रहा हूँ भाई एक साथ 4 वितर्स को रिपीट करने का। पता नहीं क्यों मैं अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड को खतरे में डाल रहा हूँ, बट लेट्स को ट्राई करके देखते हैं। देखो एक को डाउन करना है, 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 कोई भी एक को भाई, बट ये साथ साथ ही आ रहा है, एक कैसे डाउन होगा इसमें, चारों में बढ़ जा रहे हैं यार।
एक साथ मत आओ यार, एक साथ मत आओ प्लीज। जाने वाला है। लेट्स गो। ये गया, जाने वाला है। खत्म, ये भी गया। लेट्स गो भाई। एंड इसी के साथ हम चार वितर्स को भी एक साथ डिफीट कर देते हैं एंड अब बचे हुए वितर्स को मारते हैं एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से 50 वितर्स को डिफीट करके। 50 नेदर स्टार कलेक्ट करने के बाद मैं एक बार फिर से वितर को नॉर्मल स्पॉन करा देता हूँ एंड फिर उससे फाइट करता हूँ। एंड इस वितर को भी हम बड़े आसानी से निपटा देते हैं एंड उसके बाद मैं दो वितर्स को और स्पॉन करा देता हूँ एंड अब इनसे भी फाइट करते हैं। एंड भाई साहब हाफ हार्ट, ओ भाई, ओ लेट्स गो भाई, गोल्डन एप्पल ने हमारा हार्डकोर वर्ल्ड बचा लिया। मैं लिटरली हाफ हार्ट पे आ गया था एंड ये रहा हमारा सेकंड वितर एंड इसे भी हमने डिफीट कर दिया भाई। लिटरली हमारा हार्डकोर वर्ल्ड अभी जाते जाते बचा है। एंड भाई लोग ये देखो, ये रहा हमारा लास्ट वितर। अपने पास जितने भी वितर स्केलेटन स्कल थे उनको यूज करके मैंने सारे वितर्स को स्पॉन करा के मार दिया था एंड हमारे पास आ गए है 100+ नेदर स्टार। एंड वेट, मैं तुम लोगों को अपना स्टैटिस्टिक भी दिखाता हूँ भाई। ये देखो, हमने इन टोटल मारे 106 वितर्स को, मतलब 100 से भी ज्यादा वितर पेल दिए तुम्हारे भाई ने। भाई मजा आ गया। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, हमने अपने 100+ नेदर स्टार्स तो कलेक्ट कर लिए है बट 100+ बीगन्स को क्राफ्ट करने के लिए हमको बहुत सारा ऑब्सिडियन भी लगेगा। सो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑब्सिडियन के पिलर है तो मैं यहीं से बहुत सारा ऑब्सिडियन कलेक्ट कर लेता हूँ। बीकन क्राफ्ट करने के लिए हमको बहुत सारा ग्लास भी लगेगा इसलिए मैं अपने बेस पे वापस आके बहुत सारी सैंड को स्मेल्टिंग के लिए रख देता हूँ एंड जब तक हमारी सैंड स्मेल्ट हो रही थी तब तक मैं अपने फार्म्स पे एएफ के कर लेता हूँ एंड अपने पास इनफ ग्लास कलेक्ट होती मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ अपने 100+ बीकन्स। और अब इतने सारे बीकन्स को एक्टिवेट करने के लिए हमको बहुत सारे ब्लॉक्स भी लगने वाले हैं बट वेट, हम सबसे पहले डे कर दे एंड आई होप कि अपने आयरन फार्म में बहुत सारा आयरन पड़ा हो जिसको हम आयरन ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। एंड ओ भाई, यहाँ पे तो बहुत सारा आयरन ब्लॉक्स है भाई, मेरे को लग रहा है कि आयरन की हमें कमी पड़ने वाली है। ओ, ऊपर वाली चेस्ट भी ऑलमोस्ट फुल है। एंड तुम लोग ये देखो, अपने पास टोटल इतने सारे आयरन ब्लॉक्स हो गए हैं जो कि बहुत ज्यादा है एंड हमें अब इस सस्ते से बीकन पिरामिड की जरूरत नहीं है तो फटाफट से इसको यहाँ से हटा देते हैं। एंड अब अपने 100 बीकन्स के लिए एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं। ओके गाइस, तो अब अपने 100 बीकन्स को यहाँ पे एक एक करके प्लेस करते हैं बट उससे पहले मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है क्योंकि इन 100 बीकन्स को यहाँ पे प्लेस करती भाई हमारे FPS की वाट लग जाएगी एंड मेरे को डर लग रहा है कहीं भाई मेरा PC ब्लास्ट ना हो जाए। एंड लेट्स गो गाइस, ये प्लेस कर दिया हमने अपने 100 बीकन्स एंड भाई यहाँ पे जो साउंड हो रहा है ना मैं बता नहीं सकता, वहाँ पे मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। एंड भाई तुम लोग बस ये देखो, ये 100 बीकन्स क्या ही कूल लग रहे हैं भाई, क्या ही इपिक लग रहे हैं भाई, एकदम मजा आ गया। एंड क्योंकि अब अपने पास इतने सारे बीकन्स हैं तो मैं एक एक करके इन बीकन्स से सारी पावर्स को ले लेता हूँ। एंड गाइज यार, अभी ना हम इन 100 इलाइट्रास, इतने सारे रिसोर्सेज, भाई तुम लोग देखो यहाँ पे कितने सारे नेदराइट ब्लॉक्स, डायमंड, आयरन और गोल्ड ब्लॉक्स है। उसके बाद भाई सबसे स्पेशल इन 100 बीकन्स के मालिक है एंड वो भी 1 ब्लॉक वर्ल्ड में। सो इसी के साथ हमने इस चैलेंज को भी कंप्लीट कर दिया है एंड साथ ही हमने 100 बीकन्स और 100 वितर वाला दो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट कर दिया है क्योंकि 1 ब्लॉक वर्ल्ड में आज तक भी किसी ने ये सब चीजें नहीं की है। एंड गाइज यार, तुम लोगों की स्क्रीन पे लास्ट वाली वीडियो आ रही होगी जिसमें हमने 100+ एंड सिटीज को रेड किया था एंड 100 इलाइड्रास कलेक्ट किए थे एंड भाई साथ ही बहुत सारी लूट भी जिसको तुम लोग देख के दंग रह जाओगे। तो फटाफट से उस पर क्लिक करो एंड वो वाले एपिसोड को भी देख लो।